आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे, गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी, लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं फाइव स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं, यहाँ पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। घुमाते घुमाते पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, दो दो घंटे के अंदर आपने पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया, फिर यहाँ पे लेक व्यू का जो आपकी क्रूज सेवा है इसमें भी एक दो घंटे चले गए, फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चले गए, फिर बगल में जू है वहां भी आप देखेंगे कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं, जंगल में जाने का वो नहीं मिलता तो कम से कम यहीं पे आके देखो ना कितने बड़े बड़े जानवर और कैसे जानवर है, प्रकृति के साथ भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर गोरखपुर के व्यूज को रात्रि के समय जब यहां पे लाइटिंग होती है कितना बेहतर दिखाई देता है। ये सभी चीजें आज यहां पर एक और आपको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यहां पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट का भी आज यहां पर उनके जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने यहां पे रजिस्ट्रेशन कराया था आज उनको आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, और आवंटन पत्र के साथ ही यहां पर उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम यहां पर किए जाएंगे, जो यहां पे अपार्टमेंट बनेंगे इनमें लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्रफल में यह पूरा फैला हुआ है, जिसमें 3 BHK के 300 और 4 BHK के 179 फ्लैट्स यहां पे बनने हैं। यद्यपि लक्ष्य इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2027 को ये पूर्ण होगा, लेकिन मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से के भी तैयारी होनी चाहिए। और गोरखपुर का जो प्रमुख पर्व होता है वह होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 2027 के पहले पहले अगर इन लोगों को आवास मिल जाएगा तो खिचड़ी ये लोग वहीं बना करके उस प्रसाद को स्वयं भी खाएंगे, और जो लोग आएंगे उन अतिथियों को भी मकर संक्रांति की खिचड़ी खिलाने में इनको भी आनंद होगा। अच्छा घर लोगों को मिलेगा, इतना अच्छा वातावरण आप देखना कुछ समय के बाद, अरे जो आवास आपको यहां पर कुछ ही लाख में मिलेगा, जैसे इन्होंने रवि किशन ने बहुत सस्ते में लिया था मकान, आज इनका मकान करोड़ों का हो गया, ऐसे ही आपके अपार्टमेंट भी जो आप बनाएंगे, जो फ्लैट आप यहां पर बनाएंगे खरीदेंगे, आप देखेंगे कि कई गुना उसका दाम बढ़ेगा। भी चारों तरफ की रोड को थोड़ा बनने दीजिए, बहुत सुविधा इससे हो जाएगी, बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। अभी यहाँ पे होटलों की एक चेन खुलने जा रही है, एक होटल बन चुका है, बाकी होटल भी आ रहे हैं, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है, सर्किट हाउस भी यहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सब सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे इस विश्वास के साथ आज मैं इन दोनों सुविधाओं के लिए एक बार फिर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं, जिन आवंटियों को यहां पर उनकी रुचि के अनुरूप आवास मिल पाएगा। मैं जरूर कहूंगा विकास प्राधिकरण से क्वालिटी का ध्यान और टाइम बाउंड उसको करें, हर हाल में समय से आवास मिले, बल्कि समय से 6 महीने पहले इनको आवास देने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ और उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उसमें दिखनी चाहिए। ये चीजें जिससे हम जब उद्घाटन का कार्यक्रम हो उस दौरान भी आ सकें, देख सकें कि हाँ अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और साथ साथ
जो एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है या बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएगा गोरखपुर वासियों के लिए भी, उनके अतिथियों के लिए भी, देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधा देने में सफल होगा, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। इस अशेष शुभकामनाओं के साथ इस निधि चिन्ह हेतु हम आदरणीय अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस शुभ अवसर